जीवन में बहुत दुखी था, बहुत परेशान था। वह एक पहाड़ की चट्टान पर बैठकर रो रहा था, बिलख रहा था। तभी वहां से एक बौद्ध भिक्षु गुजर रहे थे। उसे रोता देख वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति के पास गया और उससे कहने लगा, क्या तुम यहाँ से कूदकर अपनी जान देने की सोच रहे हो? वो व्यक्ति कहता है, आपने बिल्कुल सही जाना, लेकिन आपको इससे क्या फर्क पड़ता है? यह मेरा जीवन है, मैं इसके साथ जो चाहूं वो करूं। तभी वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहता है, तो फिर अभी बैठकर रो क्यों रहे हो? अगर तुम्हें अपनी जान लेनी है तो यहाँ बैठकर रोने से क्या फायदा? इस बात को सुनकर वह व्यक्ति थोड़ा सा क्रोधित हो जाता है और बौद्ध भिक्षु से कहता है, देखिए महाराज, मैं यहाँ जो करने आया वो तो करूँ, लेकिन आपको इसमें दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहते ही वह व्यक्ति फूट फूट कर रोने लगता है। तभी वो बौद्ध भिक्षु उससे कहते हैं, अच्छा ये बताओ, क्या तुम सब कुछ छोड़कर आए हो या फिर अपने साथ कुछ लाए? तभी वो व्यक्ति बौद्ध भिक्षु को जवाब देते हुए कहते हैं, हे गुरुदेव, मैं सब कुछ छोड़ कर आया, मेरे पास सब कुछ भी नहीं है, ना ही मेरे पास इस वक्त कुछ खाने के लिए बचा है।